आई मायसेल्फ लोकांश गर्ग एंड आई एम अ बॉलीवुड एक्टर एंड मॉडल। और इस वक्त हम एक जी का एक एल्बम कर रहे हैं जो एक ट्रिब्यूट है एक आर्मी को, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ट्रिब्यूट बिकॉज आर्मी इज़ अ बिग वर्ड एंड देयर हार्ड वर्क, बट इट्स फ्रॉम हवर हार्ट। जय जवान जय किसान। कैसे मिला आपको ये रोल? इसके पहले कुछ किए बताइए। हाँ, तो मेरी मूवी आने वाली है नार्कोसो, दैट वाज इट्स बेस्ड ऑन वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ, सर ने मुझे कॉल लगाया कि कम एंड मीट मी एंड समथिंग, एंड आई वेंट टू राजघोष द डायरेक्टर ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड देन ही ऑफर्ड मी दिस वंडरफुल म्यूजिक एल्बम बिकॉज इट्स ट्रिब्यूटेड टू आवर नेशन, द हार्ट ऑफ आवर नेशन, दैट इज द आर्मी, द अनसंग हीरोज। सो एंड इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन 15th August। सो या आई एम रियली आई एम ऑनर्ड टू शूट हियर टुडे इन दिस मॉनसून रेन एंड एवरीथिंग। थैंक यू। 12th August रिलीज। 12th अगस्त रिलीज है, बट दिस इज बेस्ड कि 15th अगस्त को ये वायरल हो जाए। हम चाहते हैं कि लोग हमें बहुत सारा प्यार दें। मैंने सर के साथ एक पहले प्रोजेक्ट किया था, बिफोर यू डाई, जो उनकी पिछली मूवी थी, तो उनका मेरा एक्ट अच्छा लगा था। तो अभी इसके लिए एक ब्रदर का कैरेक्टर था, मैं इनके भाई का कैरेक्टर, और जो मेजर है उनका दोस्त बहुत अच्छा, वो मेरा कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी, तब सर ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे एक एल्बम है सी का, तो तुम फ्री हो तो आ जाओ। हाँ जी, आर्मी में भी। क्या जब देश की वर्दी पहनती है तो प्राउड होता है? प्राउड सर मेरे पास शब्द नहीं होते उस वक्त, और एक्चुअली मेरी मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं वो पहन सकूँ, बट मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है क्योंकि मैं उनके वो उनका कोई मुकाबला नहीं है पूरी इंडिया में। आर्मी की वजह, आर्मी है तो हम यहाँ पे हैं, आर्मी है तो हम यहाँ शूट कर रहे हैं, आर्मी है तो हम यहाँ खा पा रहे हैं। तो वो एक फीलिंग ऐसी है कि मैं आपको वर्ड्स में सेटिस्फाई कर नहीं सकता। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर सर जो है हमारे वो बहुत ही पैशनेट है, एंड वो जब कोई सीन एक्सप्लेन करते हैं उनके नज़र से सब कुछ दिख जाता है कि ये होने वाला है, मतलब आफ्टर एडिटिंग सीन्स भी हमें दिख जाता है। तो दैट्स रियली वंडरफुल थिंग कि एक आर्टिस्ट को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है कि क्या है फ्रेम्स एंड एवरीथिंग। डायरेक्टर साथ मैंने पहले भी काम किया ही है जैसे मैंने बताया, और उनके साथ मतलब काम करने में हाँ एक डर लगता है कि गुस्सा करेंगे, ठीक है हर एक डायरेक्टर करते हैं, बट वो बिल्कुल क्लियर करते हैं। वो पहले आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे क्या होगा, क्या शॉट है, कैसे आपको क्या करना है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एंड पहला गाना कौन सा माइंड में आता है? पहला गाना कौन सा माइंड में आता है विदेश की बात? मेरे दो गाने दिमाग में आते हैं स्टार्टिंग में ही, एक मेरे देश की धरती सी सोना उगले उगले हीरे मोती, और चिट्ठी आई है। सो हम सभी रेस्पॉन्सिबल नागरिक है देश की, और कहीं ना कहीं हम सभी देश के लिए करते हैं, मतलब आप अगर अपने जॉब सही से कर रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप अगर कर रहे हो तो आप देश की उन्नति के लिए कर रहे हो, देश को आगे लेके जा रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, मतलब देश सिर्फ आर्मी वाले तो है ही, पर बाकी सारे प्रोफेशन की वजह से आज हमारे देश देश है। मैं देशवासियों को यही कहूँगा, जैसा कि आजकल चल रहा है कि लोग स्टडी करते हैं उसके बाद फ़ौरन जाते हैं और वहाँ पे सीईओ या कुछ भी बनते हैं, तो हमारे इंडिया के लोग वहाँ जाते हैं, बट इंडिया में रहें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि इंडिया भी और ज़्यादा ग्रोथ करे। और आर्मी, तो आर्मी मिलिट्री पुलिस, इनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है,
मतलब ये स्पीचलेस है. जय जवान जय किसान. हाँ वो उसके पीछे तो वो चल रहे हैं. अच्छा उसका नाम अग्निपथ है. My name is Utsav and I'm from Sikkim and I'm doing a music video with Z Music. So, actually Subhendra Raj Ghosh sir had come to Sikkim and then he met me and we discussed about doing a project together and then eventually like that it happened and we did this. First, jo aata hai wo to patriotism ka hi aata hai. Aur the good thing about this music video is this is releasing near Independence Day, so wo ek plus point ho gaya aur pura nation ka patriotism jaga hua hota hai. Set pe kaisa mahol hai? Set pe bahut acha ho raha hai. It's very comfortable with the co-actors and this ye mere liye naya hai kyunki itna professionalism abhi tak maine nahi kiya tha. Sikkim mein itna nahi hota hai, so first time hai to maza aa raha hai. It's a first album? No, first in Mumbai doing it so professionally, but pehle maine do teen wala kiya hai. It's a Hindi boy, Hindi or two of them are from Sikkim itself, Nepali music videos. The third one is called Maya and released in Z Music. ये कैसे मिला आपको, कैसे क्या ऑडिशन वगैरह हुआ था? ऑडिशन तो नहीं हुआ था, बट वी मेट इन अ कॉन्क्लेव, एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव, एंड सॉ मी इन वन ऑफ द पैनलिस्ट एंड उन्होंने मुझे देखा और हम लोग का बातचीत हुआ. उनको पता चला कि मे बी म्यूजिक वो सब एक्टिंग में इंटरेस्ट है, सो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रोल सूट करेगा तो ट्राई करते हैं बोल के उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है. How was the actor? I find him very passionate about his work. He puts his entire heart and soul into the music video, so it's fun working with him. What's the story behind the story? It's actually about how an army, what kind of sacrifices an army person makes to keep the nation safe, and all the things that his loved ones face after he's gone to the army. What about Agnipath? Agnipath? No, I said army. Army, Agnipath, you know Agnipath? Yeah, I know Agnipath. Why? Agnipath, Agnipath, you know, Agnipath. 4 years ago, you have to leave the army. You heard? Oh, no, I have not heard that.
सफ़र ये गाना एक्चुअली हमारा जो इंडियन आर्मी है उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। आज का जो हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी के लिए कुछ करने का जो एक प्रेरणा, वो मेरा दोस्त आकम, मेरा मेंटर क्लासिक सीडी का एडिटर मुझे बताया, और इसके चलते मैं सुषमा गुरु उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे मैंने बात किया। और उस वक्त मैं सिक्किम में था और सिक्किम में दो तीन हादसा भी हो गया, ये लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारे जवान फौज वगैरह शरीर शहीद हो गए। तो उस दौरान मुझे ये लड़का उत्सव मिला और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो इसको लेके एक गाना करें। इस गाने को जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो बॉब बेसन सर है, वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मेरा बहुत पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन किए हुए है। और गाना को गाए एक दो लैंग्वेज का है, एक नेपाली और एक हिंदी। नेपाली में गाया है शिशिर ठटाल ने और हिंदी में गाया है शायद मल्लार ने। वीडियो बन रहा है क्या हो रहा है आज? एक आर्मी ऑफिसर है, शादी में उसको छुट्टी मिला था, वो घर आ रहे थे। उसका दुल्हन जिसका शादी हो रहा था उसका हल्दी का रस्म चल रहा था, दुल्हन का बेस में था, सडनली रास्ते में आतंकवाद हमला होता है और ये फौजी ऑफिसर ये देहांत हो जाता है, देश के लिए जान दे रहे थे। और उसका डेड बॉडी आता है उस समय जब ये दुल्हन के बेस में था। जस्ट यही ऐसे बहुत सारे किस्सा, शायद अनगिनत किस्सा है जो हम लोग जानते भी नहीं हैं, उन सब के लिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, कोई परवाह करते नहीं हुए, हमें ठीक रखने के लिए खुद का जान को परवाह करते हैं। और उस लड़की लोग के लिए जिसका शायद माने हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है या जिसका हस्बैंड होने वाला था वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा सबूत पुलवामा एवरीथिंग। ये हर 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 इंसिडेंट इनके लिए हमें शायद ये पता है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ हम लोग को पता नहीं है। हर समय तो बॉर्डर में तो गोलाबारी चलते ही रहते हैं, कुछ न्यूज़ आते हैं कुछ न्यूज़ ना आते हैं, ये रेगुलर जैसे सांस लेने का बात है वैसे ही बात है। कितना फौज कितना ऑफिसर्स देहांत हो जाते हैं मर जाते हैं वी डोंट नो। सो ये सब के लिए ये हमारा इंडियन आर्मी के लिए ना स्पेसिफिक कोई आर्मी या बटालियन के लिए नो, ये इंडियन आर्मी के लिए। नहीं वैसे नहीं है एक्चुअली, ये एक फ्लैश बैक है, एक लड़की का पर्सपेक्टिव फ्लैश बैक है जिसके वो शादी करने वाली थी वा होने वाला था वो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको वो याद करते हैं और उसी वक्त उसी टाइम याद करते हैं, वही पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम में याद करते हैं जिस कॉस्ट्यूम से उसको छोड़ती गई थी। उत्सव का उत्सव को तो लवकंस गर्ग, लवकंस हरियाणवी एक लड़का है, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बहुत सारे काम किए, मेरा लास्ट फिल्म में भी वो एक गेस्ट अपीयरेंस का किरदार किया, तो मैंने लवकंस को देखा है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। और श्रेयसी जो इस गाने का हीरोइन है, 5 साल पहले इनफैक्ट मेरे हाथ से ही इसका शुरुआत हुआ था, इस म्यूज़िक वीडियो में हिंदी म्यूज़िक वीडियो में शुरुआत हुआ था, कलकत्ता में हम लोग शूट किए थे। 5 साल बाद मुझे जब खबर मिला कि वो एक बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत सारे एड्स वेब सीरीज़ और रिसेंटली 5 अगस्त उसका एक पिक्चर भी रिलीज़ होने वाला है और बहुत बड़े बैनर के साथ, तो आई ऑफर हर एंड वो बहुत सालों के बाद मेरे ऑफर मिलते ही शी एक्टर वो तो लवकंश गर्ग का मैंने किया था वो भी बहुत अच्छा। 12 अगस्त ये बॉम्बे में रिलीज़ होंगे ऑल ओवर इंडिया में, नेपाली वर्षन हिंदी वर्षन एंड नेपाली वर्षन ये रिलीज़ होगा 15 अगस्त सिक्किम में। 15 अगस्त देख सकते हैं। नहीं एक 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 सिंगल सॉन्ग, एक सिंगल सॉन्ग, सॉन्ग का नेम सफ़र है, एल्बम का नेम भी सफ़र है।